भैया भी वही समझाए जो आप लोग समझा रहे थे। डॉक्टर ने बोली थी कि थोड़ा अपने सुकून मिलता है जो कोई अच्छे अच्छे चीज़ सिखा। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूँ अपने चैनल नागांति चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बोला कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो फुल वॉच करके एंड तक देखा लोग। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जो हमें इतना सपोर्ट किए, इतना ढेर सारा आशीर्वाद दिए, नंबर दिया था उस पर कॉल करके बहुत कुछ सिखाए समझाए, दिल से धन्यवाद। दुनिया में मैं भूल ही गया था हमारे अपने भी कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हर एक दुखिया का, गरीबों का ख्याल रखते हैं। अब तो इतना मेरे को ज़रूर एहसास हो गया दोस्तों कि अपने अच्छे कर्म करते रहने पे हर एक अपने बुजुर्गों का सपोर्ट प्राप्त होता है, हर एक अच्छे आदमी का सपोर्ट प्राप्त होता है। दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। देख सकते हैं ना, पीछे पढ़ के आ गया स्कूल से। देख सकते हैं आज लग रहा लाइट है, हवा नहीं चल रहा है, बच्चे आराम से शांति से सो रहे हैं। मेरे टेंशन में खराब को भी ये लोग सही से नहीं सो पाए। इधर देख सकते हैं चना और आलू की सब्जी, दाल, चावल बना के नागांति चौहान जी खाना वाना खा के बच्चे के साथ थोड़ा आराम कर रही है। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान जी से प्रार्थना कर लिया हूँ अपने खुशियों के लिए, अपना यूट्यूब फैमिली की खुशियों के लिए। भगवान सब स्वस्थ रहेगा अपने अपने जीवन में। अभी ये जो खाट खरीद के लाए थे ना, इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे अच्छे से, खाना वाना खा लेते हैं। तो विजय इधर आओ, देख सकते हो बाप रे दवाई फिर शुरू हो गई। किसमें गए थे? सरस्वती ज्ञान मंदिर में। हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रहा वहाँ पे, कोई दिक्कत तो उसी में नाम लिखवा दें। हाँ, आपको और विकास को भी क्या आप अभी अकेले उसी में पढ़ोगे? इधर सही से बोलो, इस स्कूल में उस स्कूल में कुछ अंतर बुझाया पढ़ाई को लेकर? सही से बोलो तेज, क्या हुआ? अच्छा मुँह तो उसी में सही रहेगा ना जिसमें अभी गए थे आज? अच्छा ठीक है, अपना मन लगा के पढ़ो, ठीक है। हाँ ठीक है, जाओ खाना खा के आराम करो। आप देख सकते हैं अभी ना मौसम का, आज मुझे लग रहा है भगवान जी कुछ विनती सुने हैं। जो लू चल रहा था वो थोड़ा भगवान जी की कृपा से नॉर्मल हुआ है, अब कुछ करने का साहस प्राप्त होगा, नहीं तो घर से बाहर भी निकलना मुश्किल हो गया था। बाकी सब तो कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से सब में सही हो जाता हूँ, सीख हो जाता हूँ, क्योंकि ना अपनों का कुछ ज़्यादा साथ मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, खास करके मेरे पिताजी का। मुझे कितना सब साहस बढ़ाने से ना आदमी ऑटोमेटिक स्वस्थ होता है, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप दिल से धन्यवाद, आप लोग इतना हमें सपोर्ट किए, साहस बढ़ाए। अब हमें भगवान जी की कृपा से, आप लोग का आशीर्वाद से कुछ होगा नहीं। जिस गलत चीज़ से आदमी को बचना चाहिए, जिस गलत आदमी गलत राह आदमी चलने वाले आदमी का संगत नहीं करना चाहिए, वो सब सीख मिला मेरे को आप लोग का आशीर्वाद से। दिल से धन्यवाद। चलिए अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ मार्केट, क्योंकि अभी हल्का हल्का ना थोड़ा असर हो रहा है, उनको एक बार दिखा दूँ, बोले थे कि एक बार आके सुबह चेक करा लेना अपने को, क्योंकि दवा भी थोड़ा ज़रूरत है, डॉक्टर का सलाह भी। तो चलिए मैं चलता हूँ थोड़ा मार्केट, पहले थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत जगह से कॉल भी आया, सबको चरण छू के प्रणाम हमसे जो भी बड़े हैं, अब बहुत हमारा हौसला बढ़ाए। एक चीज़ तो सीखने को मिल गया दोस्तों आप लोगों से कि कभी भी सच्चाई के राह पर चलने वाले को थोड़ा कष्ट होता है, और अजीब अजीब जो ख्याल आना है वो भगवान के नाम लेने से ही दूर होता है। मैं अपने आप पे आजमा लिया, अभी देख सकते हैं स्वस्थ ही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा डॉक्टर साहब से मिल लेता हूँ। और नागांति चौहान जी खाना खा के सो रही हैं, बताया था वीडियो में, और
ऐसी अपना आशीर्वाद बनाए रहिए इस छोटे बालक पे। तो 2-3 दिन पहले का लुक कैसा था दोस्तों, ऐसा तेज हवा चल रहा था, अभी देख सकते हैं एकदम शांत मौसम। इधर नारायणी चरण जी अभी खाना वाना खा लिया ना? क्यों खा हो गया? हाँ तो ये आम बात है, देखिए गर्मी में भी समझता हूँ, लेकिन शुरू से मैं आपको भी पता है ना जी कि मेरा है दिमागी हालत कमज़ोर, मेरे को ज़्यादा परेशानी होती है तो मेरा दिमाग लोड लेना बंद हो जाए, अजीब अजीब सी ख्याल आना। मैं कल 2 नींद का गोली खाया दोस्तों, दोनों खा गया फिर भी नींद नहीं आया, बताइए इसको क्या करेंगे। मैं बहुत कमेंट भी आया, बहुत मोबाइल पे फ़ोन भी आया कि हमारे साथी भैया ऐसे हो रही हो, तो ये सब का एक ही उपाय है दोस्तों, जो मेरे साथ अभी स्वस्थ ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे इतना YouTube फैमिली का जो आशीर्वाद प्राप्त है अच्छे राह पे चलने के लिए, कभी पैर डगमगाए नहीं, इतना मैं अपने आप में हौसला रखता हूँ, और हौसला थोड़ा भी डगमगाने लगता है तो फिर मैं अपने आप को समझता हूँ कि चलिए जी एक ना एक दिन तो सबको जाना है, एक दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म करके ही जाएंगे, जो कोई दुनिया में कहे ना कि इन्होंने कुछ किए ही नहीं और गलती किए, तो एक ही उपाय है दोस्तों, भगवान का नाम लेते रहें और सही रहे। तो मैं तो आप लोग से भी सीखा हूँ और अपने भगवान से ना जी, बाकी तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, शायद मेरा ही कोई अगले जन्म चाहे इसी जन्म में कोई गुनाह होगा जो इतने कष्ट अभी हो रहा है, लेकिन जब हमारे इतने सभी का आशीर्वाद और भगवान जी की कृपा होगा तो ज़रूर स्वस्थ होंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो हम लोग को इतना फ़ोन किए, कितने आदमी होते हैं कि फ़ोन से डरते हैं कि जी हम, लेकिन हमें बहुत खुशी मिली कि देखिए हमारा कितने जगह जगह से टाइम निकाले, 2-2 मिनट बात किए, कुछ बहुत कुछ सिखाए, अच्छे सिखाए, दिल से धन्यवाद आप लोग को। हमारे वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहिए हमारे फैमिली के ऊपर ना जी। तो मैं थोड़ा आ रहा हूँ, देखा खाना तो खा लिया, अगर देखे दवा भी ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि दवा तो क्या चीज़ उनको व्हाट्सएप पे दिखाया था। हाँ तो चलिए नागांती जी बता दूं आपसे, थोड़ा आप लोग हंस, क्योंकि फ़ोन आया था कि थोड़ा हंसते हुए बनाइए, हम सब YouTube फैमिली आपके उदास हो गए आपको तकलीफ दे के, तो क्या करें दोस्तों, जो हमारे साथ गुजरता है वही आप लोग से शेयर करते हैं, और जो घरों में काम करते हैं जो हमें परेशानी होती है वही शेयर करते हैं, धीरे धीरे सब सही होगा, स्वस्थ हो गए ना जी। तो चलिए वो जो दवा है इस्तेमाल किए थे उसको ले जा रहा हूँ, और उसके बाद चेक कर लेंगे, कुछ भी चेक नहीं किया, बोले कि जाओ रिएक्शन हुआ है, दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, खाली पेट दवा खा लिया ना उसी का असर, यानी दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ रात को और खाली पेट दर्द का गोली खा ली, रिएक्शन किया और आपका दिमाग तो पहले से कमज़ोर ही है, रिएक्शन हुआ तो आपको ऐसे ऐसे हो गया। तो चलिए अभी मैं थोड़ा चलता हूँ, उसके बाद आके ना अपने सपनों के घर में, तो दाल चावल सब्जी अभी नागांती चौहान जी खा रही हैं, उसके बाद जब तक मैं आता हूँ फिर इसमें लगेंगे ना हमारा साइकिल, चलिए चलते हैं मार्केट। डॉक्टर ने बोली थी कि थोड़ा अपने गाँव का लुक बहुत पहले दिखाया भी था, तो ये है दोस्तों देख सकते हैं लुक, चारों बगल हरे भरे जो अच्छे अच्छे ऑक्सीजन की निशानी है, हरियाली तो हरियाली होती है मन को एकदम खुश रखने वाला, बस अपना मन भी भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे YouTube फैमिली से, दिल से धन्यवाद आप लोगों को। चलिए अभी चलते हैं, कुछ ही देर में पहुँचेंगे मिथुन के रूम पे। तो अभी आ गया, लेकिन भाई ना कहीं गया हुआ है छोटा भाई मिथुन, तो चलिए दरवाज़ा बंद कर दिया है,
गया होगा किसी काम से, फोन करके पूछता हूँ किधर है, लेकिन कार चला रहा होगा, फोन करना उचित नहीं है। जहाँ भी गया होगा किसी काम से गया होगा। अभी भैया भी वही समझाए जो आप लोग समझा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अभी पीवीसी टेप लेते हैं, थोड़ा तार और ना कटा हुआ है, उसको सही करेंगे। कहाँ गए लो हो? चलिए अभी ले लिया, बताया प्रॉब्लम। बहुत सुकून मिलता है जो कोई अच्छे अच्छे चीज़ सिखाता है। चलिए चलते हैं कुछ देर। अरे तो अभी देख सकते ये वाला दवा दिए और आज जो आप लोग बताए ना उसी की समस्या। और दोस्तों हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस मौसम में ना अपने बच्चों को ना थोड़ा आप जैसे कोई काम हो तो भाई तो करना ही पड़ेगा, आने तो बेफजूल के इधर उधर घूमना। जो इसे लूह चल रहा है, बोल रहे हैं कि लूह में इतना एथी हो रहा है, थोड़ा जो काम थोड़ा बहुत अधूरा रह जाता है वो चल जाएगा, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर वो हो जाएगा ना। बहुत कुछ समझाए डॉक्टर साहब, तो लू से थोड़ा आप लोग भी बचिएगा ना जी। बाकी तो भगवान जी की कृपा सब पे बने रहे ना जी। हाँ तो कैसा लगा आज की ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा ना जी। इंस्टाग्राम का लिंक नंबर ही दे दिया हूँ तो आपको तो है कि नहीं। तो चलिए आज के वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं। तब तक आपका ख्याल रखना।